राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे की जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच रही हैं, जिसको लेकर की जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, नो पार्किंग से वाहनों को हटाने और झूलती तारों को हटाने के साथ ही गिरासू पेड़ों को काटने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ड्रिल रहती है हमारा प्रोटोकॉल के जो नॉर्म्स होते हैं उनके अनुसार हम लोग व्यवस्था करते हैं। जहाँ आगमन है, जहाँ पे रात्रि विश्राम की व्यवस्था होनी है, सारी हमने हमारी टीम बुला ली थी और सबको ब्रीफ कर दिया और हम तैयारियों में लगे।